वेलकम डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हम यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.25 सेंटीमीटर थिक। द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। फाइंड द आउटर कोर्ट सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, ठीक है। अब हमारे पास देखो क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल मतलब इस टाइप का है, ठीक। अब ये देखो कैसा है, एक किससे बना हुआ है, स्टील से बना हुआ, उसकी थिकनेस यहाँ पे दी गई है, ठीक है। द थिकनेस है तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थिकनेस बना लिया, ठीक। अब आपको ये समझ में आना चाहिए, जो थिकनेस ए इसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो ए थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर, ठीक। मतलब इनर रेडियस, जो इनर रेडियस है यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है, क्लियर। तो पूछ रहे हैं फाइंड द आउटर कोर्ट सरफेस एरिया। आउटर कोर्ट सरफेस एरिया अगर हमें निकालना है तो, और उसका इनर रेडियस यहाँ पे आर बराबर कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। तो अगर हम थिकनेस की बात करें, थिकनेस यहाँ पर कितना दिया है, थिकनेस दिया है 0.25 सेंटीमीटर, क्लियर। और उसका जो इनर रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो आउटर रेडियस अगर हम निकालें, आउटर रेडियस मतलब क्या होगा, ये आप 2.5 इसको भी ऐड कर देंगे, 0.25 जो है आप इसको भी ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा। सो आउटर रेडियस इक्वल टू क्या होगा, 5 में आप कितना ला देंगे, 0.25 ऐड कर देंगे, तो इस तरीके से हमें कितना मिल गया, 5.25 सेंटीमीटर उसका आउटर रेडियस हो गया, क्लियर। हमें क्या करना है कि उसका क्या निकालना है, आउटर कोर्ट सरफेस एरिया। तो आउटर कोर्ट सरफेस एरिया, देखो आउटर कोर्ट सरफेस एरिया निकालना है चाहे इनर निकालना है, फार्मूला आपको वही लगाना है, 2πr², ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, 2πr², क्लियर। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 22/7 इंटू आर कितना है हमारा, 5.25 का होल स्क्वायर, क्लियर। अब इसकी वैल्यू को पुट करिए और फिर इसको सिंप्लीफाई करिए, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करें कितना हो जाए, 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन को चेक कर लीजिए, कहीं मिस्टेक ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, ठीक है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, उसके अंदर क्या है, एक स्फीयर आर रेडियस का एक स्फीयर है, उसको इनक्लोज कर दिया गया है। यहाँ पे आप फिगर को ध्यान से देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका सिलेंडर है। अब सिलेंडर ए क्या है, स्फीयर, स्फीयर का रेडियस है और स्फीयर का सेंटर है। अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, उसका रेडियस हो गया। लेकिन अगर आप इसका डायमीटर की बात करेंगे, तो ये डायमीटर जो होगा, ये सिलेंडर के हाइट के बराबर हो जाएगा, क्लियर। सिलेंडर का हाइट और उस स्फीयर का डायमीटर दोनों बराबर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप ये देख पा रहे हैं कि ए उसका सेंटर हुआ, और सेंटर से लेके यहाँ तक का जो रेडियस है, और इसी को डबल कर दे रहे हैं तो पूरा हाइट को कवर कर ले रहा है स्फीयर, क्लियर। यहाँ से यहाँ तक पूरा, क्योंकि वो क्या इनक्लोज इसमें फिट है, ठीक है। तो अब इस तरीके से हमें क्या पहला पार्ट बोल रहा है, हमें गिवन क्या है, इसको लिख लेते हैं। गिवन में हमारे क्या दिया है, रेडियस, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फेयर इक्वल टू क्या है, आर, ठीक। और रेडियस ऑफ स्फेयर और रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर भी क्या होगा उसका, सिलेंडर का भी रेडियस क्या होगा, मीन्स रेडियस ऑफ सिलेंडर, ऑफ सिलेंडर दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर। मतलब यहाँ पे हमने ये देख लिया कि चाहे रेडियस बात करें हम स्फेयर की, चाहे हम सिलेंडर की बात करें, दोनों की रेडियस क्या है, सेम है, ठीक। और हाइट की बात अगर करें, तो आप हाइट यहाँ पे देख पा रहे हो कि इसका जो हाइट होगा
वो उस स्फेयर के डायमीटर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा हमारा डायमीटर या 2R। तो इतनी चीज़ें हमारे पास गिवन है, ठीक है। मीन्स रेडियस ऑफ स्फेयर दिया है, रेडियस ऑफ सिलेंडर दिया है, हाइट ऑफ सिलेंडर दिया है रेडियस के टर्म में। अब यहाँ पे बात की जा रही है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा हमारा, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, एरिया ऑफ स्फेयर की बात हम करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4πr², क्लियर। तो 4πr² है, तो जस्ट हमने क्या किया, वैल्यू को पुट कर दिया, स्फेयर का जो रेडियस था आर था, आर हमने यहाँ पर रख दिया, और 4πr² उसके जो फार्मूला है उसको पुट कर दिया, ठीक है। तो ये आपका पहला आंसर आ गया, 4πr², क्लियर। अब हमें यहाँ पे सेकंड पार्ट जो है उसको करना है। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, सेकंड पार्ट बोला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। अब खुद बताओ सी एस से पे सिलेंडर क्या होता है, सी एस से बराबर होता है, सी एस से ऑफ सिलेंडर ये हो जाएगा 2πr h, ये होगा। अब देखो 2πr h बोला है तो 2π तो आपको वैसे ही रहेगा, r भी आपको वैसे ही रहेगा। h की बात करें तो h क्या है यहाँ पे, 2r हो जा रहा है, क्योंकि दिया है उसको इनक्लोज किया गया है रेडियस को, हम स्फेयर के रेडियस को डबल करते हैं तो क्या डायमीटर बन जाता है, और वो हाइट के बराबर, तो वो वैल्यू वहाँ पे हमने h की जगह पे 2r पुट कर दिया, तो क्या बन गया है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 2 2 जा 4, 4πr² हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया कि हम स्फेयर को, अगर सेम रेडियस का स्फेयर है और सिलेंडर है, उसको एक दूसरे में इनक्लोज करते हैं, तो जो स्फेयर का कॉर्ड सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, वो सिलेंडर के लेटरल सरफेस एरिया, कॉर्ड सरफेस एरिया के बराबर होता है, ठीक है। वैल्यू को पुट करते हमें यहाँ पे 4πr² आ गया। अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड रेशियो चाहिए थर्ड पार्ट में, रेशियो ऑफ दियर एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 4πr² अपॉन 4πr² दोनों को डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, 1/1 आ जाता है, दैट मीन्स 1:1 का रेशियो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से करते हैं, तो बहुत सिंपल और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू।